हेलो गाइज, समित ठक्कर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाइज आप सबको पता है कि समित ठक्कर काफी दिनों से विभोर आने से पहले ही जो है समित ठक्कर को अरेस्ट किया गया था और कंटिन्यू वो जो है जेल में थे और उनका लगातार जो है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा था मुंबई गवर्नमेंट की तरफ से, मुंबई सेशन कोर्ट के द्वारा। और आज जो है मुंबई सेशन कोर्ट की तरफ से आज फिर से सुनवाई थी समित ठक्कर केस में, और समित ठक्कर को आज जो है सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेल जो है मंजूर कर दिया और समित ठक्कर को जेल से छोड़ने की ऑर्डर दे दिया। मतलब गाइज काफी दिनों से जो है 1 महीने से ज्यादा विभोर आनंद से पहले जो है समित ठक्कर को अरेस्ट किया गया था, लेकिन हर बार जो है समित ठक्कर का बेल जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा था सेशन कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो है इनके ऊपर भी आरोप लगा था कि जो है समित ठक्कर ने मुंबई के सीएम जो है उद्धव ठाकरे जी उनके ऊपर आरोप लगाया था और उनके बारे में काफी कुछ गलत बोला था, और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी काफी कुछ बोला था जिसकी वजह से इनके ऊपर ये सारे आरोप लगे थे, जिसकी वजह से मुंबई साइबर सेल ने इनको अरेस्ट किया था। और बार बार इनके केस का जो है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद 1 महीने के बाद जो है आज फाइनली समित ठक्कर को जो है बेल मिल चुकी है और सेशन कोर्ट ने अपना सुनवाई करते हुए उनको बेल दे दी है। और समित ठक्कर के जितने भी फैंस हैं उनके लिए काफी बड़ी खबर है और काफी अच्छी खबर है। गाइज आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर।